आपको आजाद पार्क गया का बड़ा ही मशहूर पार्क जो गया शहर के पीछे बीच स्थित है। ये पार्क गांधी मैदान के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला पार्क। यहाँ हर तरह का प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम और गायकों का प्रोग्राम अक्सर होते रहता है। यहाँ कथा प्रवचन के लिए गांधी मैदान से ज़्यादा तेज़ी से भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है। इसका मेन वजह ये है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच अवस्थित है और ये गया का बहुत ही पुराना पार्क है। आज़ाद पार्क जो है गया के बीच में गुलपत्थर के पास है और यहाँ के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बैठने का, खेलने का, वार्तालाप करने का या फिर किसी तरह का बैठक बुलाने का सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। देखिए बच्चे अभी हम पार्क के अंदर हैं और देखिए कहीं बच्चे खेल रहे हैं, युवा टहल रहे हैं और एक ही ग्राउंड है छोटा सा, लेकिन यहाँ कई टीमें बढ़ कर के खेलती है, कई बच्चे कई टीम बनाते हैं और यहाँ खेलते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, चारों तरफ देखिए कितने लोग हैं। पार्क को दो भाग में बांट दिया गया है, जो मधुमक्खियाँ ऊपर देख रहे हैं उसके ऊपर में वाला हम लोग के घर में पेड़ में लगा देता है। अरे मधुमक्खियाँ मीठा लगेगा ना, हाँ। और जो निकालता है बीड़िया का, बीड़ी पीता है, बीड़िया को लेके हल्का हल्का मधुमक्खी के ऊपर में फेंकता है और वह चकुआ से काट लिया, हाँ थोड़ा थोड़ा साइड हो जाता है, साइड हो जाने से फिर उसको निकाल लेते हैं। और ये मध जो है ना अब कपड़ा में चाहे चाहे छानिए से ना गाढ़ा होगा, कितना खूबसूरत नज़ारा है, हरा भरा शोर गो शोर शराबा और बच्चों को खेलने का ये महत्व है। मैदान के दक्षिणी छोर पर, पश्चिमी छोर पर एक खूबसूरत स्टेज बना हुआ है जहाँ हर तरह का प्रोग्राम होता है और इसीलिए एक अस्थायी स्टेज बना दिया गया है ताकि प्रोग्राम करने वालों को सहूलियत। अब हम आ गए हैं आज़ाद पार्क के अंदर के तरफ जहाँ से पेड़ पौधे बैठने का जगह, जो लोग घूमना पसंद करते हैं वो उत्तरफ रहते हैं और जो लोग बैठ करके आराम फरमाते हैं वो लोग इसके तरफ आ जाते हैं। दोनों तरफ पेड़ हैं। आजकल युवाओं में मोबाइल लगाने चलाने का तो गजब का तेज, चार साथी बैठे हैं, चारों मोबाइल शाम के बैठे हैं, कोई वार्तालाप नहीं होती है, मोबाइल में बिजी रहते हैं। महिलाएँ भी आराम से घर से निकल कर दूसरी घर में शांति से शांति और सुकून के लिए सबसे ठीक सबसे बेहतर जगह। यहाँ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ आराम भी कर रहे हैं। देखिए सभी अपने ग्रुप बना बना कर के बैठे हैं और ये देखिए बुजुर्ग का ग्रुप है जहाँ पर बड़े पैमाने पर बुजुर्ग तो यहाँ पर ये लोगों को पाइए, कुछ युवा अपना अलग ग्रुप बना करके बैठे हैं और ये देखिए कितना सुंदर पगडंडी है बना हुआ, छोटा सा रास्ता बना हुआ है। भजन संध्या का संध्या का आनंद लेने के लिए साहित्य कविता पाठ